लल्लन स्पीकिंग। तरबूज फलों का राजा है। वाह 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 वाह। तरबूज फलों का राजा है। राखी का आम ताजा है। अरे राखी जी का राष्ट्रीय आम पार्टी ताजा है। नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। एनीवे हम कह रहा हूँ कि राखी जी को ये फैंटास्टिक आइडिया आया कहाँ से? किसने कहा उनको कि वो इलेक्शन में खड़ी हो? ढूंढ रहा हूँ हम उस बड़बक को। पकड़ में आ जाए तो एक बार तो ससुरे को चाइना भेज दूंगा, सारे बॉडी पार्ट्स चेंज करके डुप्लीकेट लगवा दूंगा, तब पता चलेगा हमारी बेबसी के बारे में। और भैया राखी जी का पहले यही सिद्धांत है कि बदनामी में भी नाम है, शायद इसीलिए उन्होंने केजरीवाल की पार्टी से मिलता जुलता नाम रख लिया है। सोचो अगर फ्यूचर में दोनों पार्टी का गठबंधन हो जाए तो लोग कहेंगे आपके आम कैसे हैं। सुना है इनकी पार्टी की निशानी है मिर्ची। भैया सब लोग एक हेल्थ टिप सुन लो, ज्यादा हरी मिर्च खाने से पाइल्स हो जाता है। ए राम, तो इनको ज्यादा अपने मुंह से ना लगाओ वरना आग लग जाएगी। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, देखो कैसे सारी लाइमलाइट खुद ले रही हैं। बेचारे पार्टी प्रेसिडेंट कितना कोशिश कर रहा है बोलने की, लेकिन राखी जी का मुंह उन्हें बोलने की इजाजत ही नहीं दे रहा। देखिए देखिए, बहुत बड़े बड़े वादे कर रही हैं राखी जी, सारे पार्टियों को चैलेंज कर रही हैं। पॉलिटिक्स की तो भैया अब शामत आ गई है, क्योंकि राखी नाम की कयामत आ गई है। हमको इस पॉलिटिक्स से दूर ही रहना है, लेकिन ऐसे हसीन नेताओं के थोड़ा करीब रहना है। खैर कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, हमारे दूसरे भी कई काम है जिंदगी में। हमारी और भी चटपटी और मसालेदार बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल लल्लन स्पीकिंग, समझे।